प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लेकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया। महिलाओं को लेकर प्रदेश सरकार शुरू से ही सक्रिय रही है। महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष अधिकार और नियम बनाए, जिसको आज पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहती थी, जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के हित में नई योजनाओं की शुरुआत की है। जो यहाँ आपको बता दें कि जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की योजना शामिल है। इसी कड़ी में सरकार ने मिशन शक्ति जैसी योजना का शुरुआत किया, जिसमें आज महिलाओं को सुरक्षा और को लेकर जागरूक किया जा रहा है। आज विकास खंड नौगढ़ में मिशन शक्ति कार्यक्रम खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे और इसके साथ ही सहायक खंड विकास अधिकारी आशुतोष मिश्र के नेतृत्व में आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति चतुर्थ चरण ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और एक इस विशेष कार्यक्रम के दौरान सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहती है। इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू की, जो इस बार ये चौथा साल है और एक महिला होने के नाते मुझे भी ये महसूस हो रहा है, मैं कर्मचारी भी हूँ, कि समाज में पहले से अराजक तत्व कम हुए हैं। अब एकदम से तो ख़त्म कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है अचानक से, लेकिन ये है कि पहले से बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं, अपराध कम हुए हैं और समाज में एक सुरक्षा का भाव बढ़ा है। लेकिन मैं समाज में एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी कि केवल सरकार की पहल से कुछ नहीं हो सकता महिलाओं का। आप अपने घर परिवार से पहले ये शुरुआत करें कि महिलाओं को सम्मान दें और उन्हें उनका जो अधिकार है, उनका जो निर्णय है वो लेने दें। किसी दबाव में उनसे कोई निर्णय ना लें कि आपको ये करना ही है। उनकी अपनी एक सोच है, वो भी एक इंसान है और उनकी अपनी सोच विचार का उनका सम्मान करें और एक समाज में ये संदेश जाना चाहिए। जिससे मैं कर्मचारी हूँ तो मैं तो खुद के पैरों पर हूँ, लेकिन एक गृहिणी के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लोग कोर्ट कचहरी तक दौड़ते हैं और वो देखकर बहुत ख़राब लगता है। ये समाज में सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं, सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। समाज में पहले हमें अपने घर परिवार से ये शुरुआत करनी होगी। थैंक यू।